नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का, तो आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। हरिद्वार के हितमपुर गांव में रौ नदी पर बने जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दिन का सांकेतिक उपवास रखते हुए पुल का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग रखी। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। महेश प्रताप राणा ने कहा कि इस पुल को टूटे हुए कई साल हो गए, लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी की तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने काशीपुर पहुंचकर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजय कोठियाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही यात्रा निकालने में व्यस्त हैं, जो चुनावी माहौल में चैंपियन बनने के सिर्फ तरीके हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का भी अपना कैंपेन चल रहा है, जो राज्य के आधारभूत मुद्दों को लेकर साथ ही जनता को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर है। रुड़की में गणेशपुर के गंगनहर पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लोकार्पण के कार्यक्रम में हुए जबरदस्त हंगामे के बाद विधायक प्रदीप बत्रा ने गंगनहर में बने कार्यालय पर नगर निगम के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। पार्षद मनोज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद पति की ओर से बार बार झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो गलत है। विधायक के लिए इस तरह के शब्दों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देश और प्रदेश में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा आज काशीपुर पहुंची। यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, जिसकी शुरुआत परिवर्तन यात्रा के रूप में हो गई है, जो आज 3 दिन से खटीमा से शुरू होकर काशीपुर पहुंची है। वहीं यात्रा में शामिल हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पार्टी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा का आज तीसरा दिन है, जिसका आज काशीपुर में समापन करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि जन सैलाब चल रहा है। हरिद्वार में नए एसएसपी के रूप में चार्ज लेते हुए डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इससे पहले भी धर्मनगरी हरिद्वार के चार्ज का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एसएसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरिद्वार में कई तरह की समस्याएं हैं, जिनका निवारण के लिए योजना बनाकर कार्य किया जाएगा। साथ ही हरिद्वार में होने वाले बड़े बड़े आयोजन और मेले के दौरान पुलिस की अहम भूमिका होती है, इसलिए यहाँ के लोगों को जो भी समस्याएं होंगी उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।